है फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेज हाउ आर यू ऑल गाइज गाइज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डेटा प्लस बी ई एम आर एस एंड यू पी टी जी टी पी जी टी एग्जाम्स ओके गाइज़ प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक शेयर डू लाइक शेयर वीडियोज़ मॉर एंड मोर लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट एनी डिले दिज सेशंस आर वेरी बेनिफिशियल टू यू फॉर ऑल एक्सपेक्ट और ठीक है चले करेक्ट शुरू कर दें गाइज अपनी तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन एम्पेडोकस क्लेम ब्रॉटस गैबिर एलेक्जेंडर एडम्स रेमंड लली स्टीफन अर्माडो कसीडा आर द कैरेक्टर्स इन बताइए ये तो कैरेक्टर uh, आपको कहाँ कहाँ पर नज़र आते हैं क्या यहाँ जो है आपके ऑप्शन है आपके पास में ऑल फूल्स डे न्यू ईयर ईव ड्रीम चिल्ड्रन या फिर नन ऑफ दिस तो यहाँ आंसर आपका है ऑल फूल्स डे द आंसर इज ऑल फूल्स डे ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ही नेक्स्ट क्वेश्चन एपी सेलिब्रेट्स तो ये किस प्रकार के लव को सेलिब्रेट करता है फिजिकल लव को ऑप्टिकल लव को हेटर्ड या फिर प्लेटॉनिक लव तो इसमें बात हो रही है प्लेटोनिक लव के लिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेविड्स लव फॉर डोरा स्पेनलो इज डिकन्स ऑन लाइफ फॉर जो डेविड का डेविड का लव है डोरा के लिए डोरा स्पैनलो के लिए वो डिकन्स का खुद का लव है किसके लिए कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से डोरा डेविड की ब्लवड डोरा स्पैनलो हैं तो ऐसे ही डिकन्स की जो ब्लवड थी वो कौन थी तो मेरियम है जैसी चैम्बर्स हैं मारिया है या फिर नन ऑफ दिस क्या आंसर होगा इसमें आपका तो मारिया यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट देर इज़ अ विजडम ऑफ़ द हेड एंड देर इज़ अ विजडम ऑफ़ द हार्ट तो ये लाइन है प्यारी लाइन है ये है कहाँ पर तो देखिए विजडम हार्ट में है विजडम हमारे आ, जो है हेड में है तो ये आ, बिल्कुल सीधा सा आंसर आप इसका कैच कर सकते हैं इसको ऐसी लाइन अगर कहीं आ सकती है तो वो आपके हार्ट टाइम्स में आएगी बिना किसी दिक्कत के आप मार्क कर लीजिए सही आंसर है The only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. Humility is endless. From where the line has been taken है बनी लिया गया है इस लाइन को आ uh, from which uh, work is this line इस लाइन आर ओकर तो the only wisdom we can hope to acquire is the wisdom of humility. Humility is endless. तो कहाँ से ये लाइन आती है तो लाइन अच्छी है ये भी बताना है आपको तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ईस्ट कॉकर फॉर क्वार्टर है That's, आपको पता है डीएस इलियट के हैं ये सारे वर्ग तो फोर क्वार्टर ईस्ट कॉकर की ये लाइन है करेक्ट इफ अनटचेबल इज माइक्रो कॉली मोर लाइक द मैक्रो कॉजम दैट इज इंडियन सोसाइटी बताइए इसमें क्या होगा दोनों ही वर्क किसके हैं भाई कूली भी इन्हीं का है नाइनटीन कूली की बात करेंगे तो नाइनटीन थर्टी सिक्स में और अनटचेबल की बात करेंगे तो नाइनटीन थर्टी फाइव में आया था आगे पीछे आए थे ये दोनों दोनों ही वर्क मुल्कराज आनंद के हैं तो इनमें से बताना है कि ये किसने कहा है किसके बारे में आ, कूली के बारे में और आ, तो इफ़ अनटचेबल इज़ माइक्रोकॉजम तो कूली क्या है मोर द लाइक द माइक्रोकॉजम तो यहाँ बात हो रही है किस किसके द्वारा इसको कहा गया है तो ये ऑप्शन आई थिंक आई के आई के आर एस आयंगर ने ऐसा कहा है ठीक है मुझे यही लग रहा है ठीक है यही आपका आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट मोड बेयर्स द ऑटोबायोग्राफिकल टचेज किसकी है मोड मोड आपकी टेनिसन की है आप जानते हो तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच है मिलता है हमें तो इस इट प्रजेंट द स्टोरी ऑफ लव ऑफ मॉर्बिड हीरो फॉर मॉड मॉड के लिए किसी हीरो की कहानी है ये साइड बाय साइड इट इज़ द टेनिसन ऑन स्टोरी फॉर ऐसे ही जैसे अभी डिकन्स का क्वेश्चन आया था तो हमें यहाँ पर पता करना है कि जो आ, ये थे टेनिसन थे इसी तरीके से इनके इस मेन से कौन है तो रोज बेयरिंग है लॉटस बेयरिंग है फैनी ब्राउन तो किड्स की थी शायद तो किसकी है? तो बताना है ऑप्शन बताइए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा तो ये ऑप्शन आपका रोज बेयरिंग है ठीक है भाई ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव डिफेक्टिव इस फ्रेज को आप जानते हो ऑब्जेक्टिव कॉरेटिव टीएस मिलता है, में जो है, है। और मैकबेथ को वैसे माना जाता है वैसे।

कौन सी फ्रेज से इलेक्ट का मतलब है डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंसन ऑफ द थाट आर रिक्रिएशन ऑफ थाट इन टू फीलिंग्स डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को डि, डिफाइन करता है ये ऑब्जेक्टिव क्वालिटी को यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को किसको डिफाइन करता है यस yes, तो ये यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को डिफाइन करता है सी ऑप्शन द एपीग्रेफ ऑफ द वेस्टलैंड इज फ्रॉम जो एपीग्रेफ है वेस्टलैंड का वो कहाँ से है चौसस प्रोलोग से है होमर से है द्या है सेटारिकोन पेट्रोनियस आर्बिटर से है या फिर नन ऑफ दीज यस तो इसमें आंसर अगर है तो कौन सा है ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक है द सटारिकॉन पेट्रोनियस आर्बिटर इसी से लिया गया है जो एपीग्रेफ है वेस्टलैंड का याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द थीम ऑफ द पोयम ऑफ निजेम इजिकल निजेम इजिकल की जो पोयम थी उनकी थीम हमेशा क्या होती थी भाई रिलेशनशिप होती थी लव होता था सेक्स होता था और सिटी लाइफ से भी ये दिखाते थे सिटी लाइफ को भी तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ सही है दिस नॉवल प्रजेंट्स अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स इट्स टाइटल इज फ्रॉम एक्लेट एक्लेट सी सी ठीक है तो सी एस है सी एस है ना तो फाइंड इट आउट बताइए इसमें द नॉवल प्रजेंट अमेरिकन एक्सपेड एक्सपेड्रेट्स को ये आ, यहाँ पे बताता है दिखाता है टाइटल इसका एक्ले सी एट्स है थोड़ा सा तो इसमें ऑप्शन होगा आपका कौन सा द सन सनऑल्सो राइजेस पहले वाला ही द दोलिजर प्राइज वर गिवन टू फॉकनर फॉर हिज नॉवल फेबल के लिए नाइनटीन फिफ्टी फाइव में मिला था इनको पुलिजर प्राइज लेकिन 1963 में कौन से वर्ग के लिए इनको पुलिसर प्राइज मिला था दो बार इनको पुलिसर प्राइज मिला है किसको हमारे जो ये फॉकनर है ठीक है लेकिन किसके द्वारा मिला था मतलब किस वर्ग के लिए मिला था दोबारा पहली बार तो फेबल के लिए मिला था 1955 में द में है मॉस्किटोज है तो रिवर्स के लिए मिला था सी ऑप्शन द रिवर्स के लिए पुलिजर प्राइज वर्ग गिवन टू अच्छा दोबारा आ गया क्या चलिए वन डे वन डेजी डिफर्स नॉट मच फ्रॉम अनादर इन ग्लोरी जो पहला मतलब एक डेजी का फूल है वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होता दूसरे से बट अ वॉयलेट शुड लुक एंड स्मेल द डेंटिस्ट ठीक है लेकिन वॉयलेट में ऐसा होता है तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये लाइन है बताइए कौन से वर्क की हैं यस yes. तो अच्छा क्वेश्चन है और इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये शायद आंसर आपका आता है भाई आप बैचलर्स कंप्लीट ठीक है आप बैचलर्स कंप्लेंट से है ये पहला ऑप्शन है चार स्लैम का है क्रॉस कैजुअलिटी एंड डिक्टिंग टाइम आर द फ्रेजेज हार्डी यूज इन क्रॉस कैजुअलिटी एंड डिक्टिंग टाइम जो है फ्रेज हैं वो हार्डी यूज करते थे आ, किस में यूज करते थे रिवर्सन में द इम्परसिपियन आर मीटिंग विद डिस्पेयर बताइए इसमें ऑप्शन तो यहाँ आपका जो फोर ऑप्शन है फोर ऑप्शन हैप ठीक है यही है डी फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होअर मो माई फेंट हार्ड विद ग्रीप बताइए बहुत प्यारी लाइन है है कहाँ से ठीक है तो बिल्कुल और अगर इसको हम देखें तो ये लाइन जो है हमें मिलती है भाई लेमेंट से है ना लेमेंट ये करेक्ट है बी ऑप्शन करेक्ट है फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मो माई फेंट हर्ड विद ग्रीफ द लाइन आर्टिकन फ्रॉम लेमिट किसकी है पी बी शैली पी बी शैली लव फिलोसफी नेिकिल और ऑल्टोनाइटिंगल और कीट्स तीन टर्न अभी आप जानते हो ये चलिए लेट नॉलेज ग्रो मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल्व ये कहाँ की लाइन है यूलिस है मोर्टेडी अर्थर है इन मेमोरियम है लॉक्सले हाल है तो इसकी अगर हम बात करें तो ये लाइन आपकी है इन मेमोरियम से लेट नॉलेज मोर ग्रो एंड ग्रो तो ये इन मेमोरियम से है सी ऑप्शन विटमस पोयम क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी कंटेंस क्या कंटेन करती है कितने सेक्शन है इसमें नाइन है इलेवन है ट्वेल्व है थर्टीन है तो इसमें नाइन सेक्शन है टोटल यानी कि ए ऑप्शन किसकी है भाई ये विटमैन की बोयामिक क्रॉसलिन ब्रुकलिंग फेरी और नाइन सेक्शन है इसमें पहला ऑप्शन एलियट हैज़ मैंशन द प्ले ऑफ प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर इन द वेस्टलैंड विच प्ले इज़ नॉट डायरेक्टली रेफर्ड टू इन द वेस्टलैंड एलियट हैज़ मैंशन प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वेस्टलैंड एक वर्क है जो ये आया था नाइनटीन ट्वेंटी टू में टी एस एट का तो इन्होंने इसमें जो है शेक्सपियर के वर्क को लिया है हम जानते हैं तो विच प्ले इज़ नॉट डायरेक्टली रेफर्ड कौन सा ऐसा प्ले है जो डायरेक्टली जिसमें जिसको इसमें रेफर नहीं किया गया है यस तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा कॉरियोलैनस ठीक है कॉरियोलैनस रोमन प्ले है तो इसी को जो है डायरेक्टली रेफर नहीं किया गया लेटमस एपियर इन लेटमोस नाम का कैरेक्टर कहाँ पे अपियर होता है किड्स की समरसी में इसाबेला ईव ऑफ सेंट या फिर इंडेमियन यस कौन सा आंसर सही होगा इसमें इंडेमियन में होता है डी ऑप्शन है सही हुज हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कंटेम्प्ररी ऑफ वर्ड एंड कॉलेज इनमें से कौन वर्ड और कॉलेज का कंटेम्पररी यानी कि जो समकालीन रहते हैं नहीं है रॉबर्ट सदी वा, सर वाल्टर स्कॉट विलियम हैजलिट ए सी स्विनबर्न तो कौन सा इसमें है जो इनका नहीं है तो ये फोर है आपका यानी कि ए ये ए सी स्विनबर्न जो है वो uh, कॉलेज का और वर्सअप का समकालीन नहीं है बाकी सदी स्कॉट और हेजलिट हैं। यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ऑन बेनिफिट अपने खुद के फायदे के लिए पब्लिक मनी को यूज करना क्या कहलाता है मेटेलिस्टिक है यूटिलिटेरियन है पैक्यूलेशन है सेल्फलेसनेस है क्या होगा इसमें सही आंसर यस yes. तो ये हो जाएगा पिक्यूलेशन ठीक है पिक्यूलेशन होता है मतलब पब्लिक मनी को अपने जैसे सभी पॉलिटिशियन करते हैं पब्लिक के पैसे को अपने लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या है पैक्यूलेशन है द एंटोनिम ऑफ कॉर्पुलेंस कॉर्पुलेंस का एंटोनिम बताना है कॉर्पुलेंस uh, का एंटोनिम uh, हो जाएगा क्या कॉर्पुलेंस होता क्या है इसका एंटोनिम बता दूँ पहले तो ये सिलेंडर है पतला है और कॉर्पुलेंस थोड़ा सा भारी बरगम सा मोटा सा होता है तो सिलेंडर है डी ऑप्शन अनीस सलीम बोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन टू थाउजेंड एटीन कौन से वर्ग के लिए अनीस सलीम को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है दो हजार अट्ठारह में अच्छा क्वेश्चन है यस तो कौन से वर्ग के लिए मिला है इनको तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन हमारे पास द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स है डेयरी मेड है मिल्क मैन है द घूस्ट है तो इनको मिला है पहला ही द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स इसी के लिए इनको मिला है 2018 में साहित्य अकेडमी अवार्ड विच नोबल नोबल प्राइज़ विनर डाइड ऑन अगस्त 11 2018 कौन सा ऐसा नोबल प्राइज विनर है जिसकी डेथ हुई है अगस्त ग्यारह 2018 में तो ऑप्शन कौन कौन से हैं वी एस नाइपॉल हैं ट्रांस हैं गार्ल्स वर्दी हैं और बॉब डायलन है तो अच्छा क्वेश्चन है नाइस है तो ये वी एस नाईपोल हैं भाई जिनकी डेथ हो गई 11 अगस्त 2018 में पहला ऑप्शन मैच द फॉलोइंग इनको मैच करना है फादर ऑफ क्रिटिसिज इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बैकन फादर ऑफ़ मॉडर्न थिएटर इब्सैन या फिर मतलब गलत बताना है इसमें से मैच नहीं करना गलत बताना है इसमें से फादर ऑफ इंग्लिश लॉन् तो ये गलत लग रहा है मुझे डी वाला क्योंकि फ़ादर ऑफ क्रिटिसिज्म ड्राइडन है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बेकन है और फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर वो आपके है ये भी सही है बाकी जो डैनियल डिफो नहीं है बल्कि आ, ये आपके हैं फील्डिंग है ठीक है फील्डिंग जो फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल है हैंनरी फील्डिंग है चलिए वर्जीनिया वुल्फ जॉन मेनार्ड कैनिस एफ एम फॉस्टर एंड लिटन स्ट्रेची बिलोंग टू किससे बिलोंग करते हैं ये क्या फ्लैसली स्कूल से ब्लिम्सबरी ग्रुप से आ, बीट पॉइट से बिट पोइट्स कौन थे जो न, जो फिफ्टीन नाइनटीन फिफ्टीज की जो जनरेशन थी नाइनटीनटीज के दौरान के जो पॉइट थे उनको बिट पॉयट कहा जाता था तो यहाँ पूछा जा रहा है भाई कि इससे वर्जीनिया वुल्फ वगैरह जॉन मनर्ड कैनिस एफ एफ एम फोस्टर और लिटन स्टैची किससे बिलोंग करते हैं किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये इसमें बताना है यस तो ये आपका ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं बी द बीट जनरेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन पॉइट सा बताया है तो पोस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड सेकेंड के पोएट थे इसमें हु केम टू प्रोमिनेंस इन द नाइनटीन फिफ्टी फाइंड आउट द बेस्ट पोएट तो इनमें से बेस्ट पोएट किसे माना जाता है तो आई होप ये आ, आप जानते होंगे इसका आंसर बिल्कुल तो इसमें जो बी जो इम्पोर्टेंट इं, पोएट है सबसे ज़्यादा वो एलन एन जिन्स पर के पहले वाला ऑप्शन सही है इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग और रेस्टेनिंग एनी मटेरियल इन द टेक्स्ट दैट माइट बी कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू सम रीडर्स देखिए किसी भी कुछ अगर कोई भी टेक्स्ट में कोई भी वर्ड या कुछ रीडर uh, के लिए ऑफेंसिव है तो उसको जो है रिमूव uh, कर देना या फिर रेस्टेन कर देना किसी मटेरियल को क्या कहलाता है तो ब्लू स्टोक है कार्पेडियम है के है बाउल्डरिज्म बाउल्डरिज्म होता है डी ऑप्शन कार्पेडियम होता है सीज द डे प्लग द डे ठीक है द पुलिस दर प्राइज फॉर लास्ट क्वेश्चन है आजकल लाइक शेयर नहीं किया गया तो कर दीजिए फटाफट से द पुलिस दर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर प्रीफरेबली डीलिंग विथ पुलिस दर प्राइज किसी भी अमेरिकन ऑथर को दिया जाता है किस चीज़ के लिए कंटेम्पोरी रियलिटी के लिए रियलिटी के लिए अमेरिकन लाइफ के लिए ब्रिटिश लाइफ के लिए वेसिक्स लाइफ के लिए तो भाई अमेरिका में दिया जाता है तो अमेरिकन लाइफ के लिए दिया जाता है तो इसी से हम रिलेट करके इसको सही कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए तो ये हो जाएगा हमारा वही अमेरिकन लाइफ या फिर कंटेम्पोरिरी रियलिटी क्या होगा इसमें इसमें मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ इसके आंसर में अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे इसका आंसर ठीक है थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ यहाँ पर इसके आंसर को लेके ठीक है ना एक बार सोचूं ज़रा और थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है भाई कौन सा होना चाहिए अमेरिकन लाइफ ही लग रहा है मुझे तो चलिए आप बता देना मुझे और कोई लग नहीं रहा इनमें से तो अमेरिकन लाइफ लग रहा है आप बता देना मुझे अगर कुछ और आंसर है तो ठीक है वैसे यही है जहाँ तक है चलिए भाई यही था आज का हमारा मटेरियल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से तब तक ले बोवाई टेक केयर पढ़ते रहिए